सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड कम्युनिटी स्कूलिंग सिस्टम बेटा आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने नीट डायरेक्ट असाइनमेंट पार्ट सिक्स डिस्कस करना है जिसके अंदर हम लोग दो चैप्टर्स डिस्कस करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो कि आपका एट्थ चैप्टर है और इसके अलावा हम लोग टेंथ चैप्टर डिस्कस करेंगे सेल साइकिल वाला ठीक है दैट इज अ राइट उसके क्वेश्चन देखते हैं जरा हम अच्छा बेटा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो क्या बोल रहा है It is what will be the direction of flow of water when a plant cell is placed in a hypotonic solution. Hypotonic solution, kya hota hai bache? जिस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन लो होगा और वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा है ना वो हाइपोटोनिक होता है हाइपरटोनिक में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और आइसोटोनिक में क्या होता है दोनों में बराबर होता है बॉडी के अंदर एंड फ्लूड के अंदर दोनों के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का कंसनट्रेशन होगा वाटर का कंसनट्रेशन होगा है ना तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है वॉट विल बी द डायरेक्शन तो डायरेक्शन क्या होना चाहिए डायरेक्शन होगा वाटर विल फ्लो इन द सेट ठीक है बच्चे द बिहेवियर ऑफ द प्लांट सेल विद रिगार्ड्स टू वाटर मूवमेंट डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग सोल्यूशन ठीक है अब सराउंडिंग सोल्यूशन कैसा है वैन अ प्लांट सेल इज प्लेज इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन वॉटर विल फ्लो इन टू द सेल एंड सेल विल स्वेल क्योंकि बाहर जो है वाटर का कंसनट्रेशन ज्यादा है हाइपोटोनिक सोल्यूशन है ना तो वो क्या करेगा वो वहां से सेल के अंदर एंटर करने की कोशिश करेगा तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लेसिथिन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है लेसिथिन का इसका हम लोगों ने स्ट्रक्चर भी पढ़ा है तो ये हमें पता है फॉस्फोलिपिड है इसका स्ट्रक्चर है ना जिसमें कि हमारे पास ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर आता है जिसमें दो फैटी एसिड्स लगते हैं आर वन एंड आर टू और उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप लगेगा और कोलिन ग्रुप लगेगा ठीक है वो लेसिथिन का स्ट्रक्चर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कंसेप्ट ऑफ ऑमनी सेलुला रिगार्डिंग सेल डिजन वॉज फर्स्ट प्रोपोज बाई तो ये तो रूडॉल वर्षो है जिन्होंने कहा था कि जो भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से डिराइव होते हैं ये हम लोग पढ़ चुके हैं विच वन ऑफ द फॉलिंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टर्जर इन सेल्स कौन करता है टर्जर प्रेशर जो है पोटेशियम क्रिएट करता है, है ना इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टर्गर प्रेशर इन द सेल बिकॉज इट रेगुलेट्स द प्रोटोन पम्प इन्वॉल्व इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा एलिमेंट जो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में रोल प्ले करता है तो इसके लिए कौन सा आएगा पोटेशियम इज द एलिमेंट ठीक है बेटा अब अगर बाकी अगर आप देखिए तो मैग्नीशियम जो है वह क्लोरोफिल पिगमेंट का कॉन्स्टेंट है विच हेल्प इन फोटोसिथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स कैल्शियम जो है वो सिलेक्टिव परमेबिलिटी देता है सेल मेम्रेन को है ना तो कैल्शियम पोटेशियम मैग्नीशियम आर एसेंशियल एलिमेंट्स सोडियम इज इन्वॉल्व इन मेम्ब्रेन पेबिलिटी इट इज़ नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स ठीक है बच्चे तो इस तरीके से आप लोगों ने इसका आंसर जो होगा ऑप्शन इज दी राइट आंसर बाकी भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इसका भी आंसर लिख सकते हैं ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है फॉलोइंग इज नॉट अ प्रो कैरियॉट कौन सा इनमें से प्रो कैरियॉट नहीं है तो सैक्रोमाइसिस इज नॉट अरियॉट ठीक है बिकॉज क्या बच्चे वो फंगस है फंगस क्या होता होते है उनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और अदर सेल सेलऑगनस भी होते हैं तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड स्टिकी करेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल किसकी वजह से होता है ग्लाइकोकैलिक्स की वजह से होता है रिलीज करता है आउटर मोस्ट लेयर होता है ऑफ़ द द सेल इट गिव्स स्टिकी बैक्टीरियल सेल्स नेक्स्ट क्वेश्चन में सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट हमें बताना है कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेडअप इन मोर्टिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल्स ये स्टेटमेंट जो है बच्चे गलत है तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फाइन हेयर लाइक बाई मोटिलिटी किसके लिए यूज करते हैं अटैचमेंट के लिए यूज किया जाता है ठीक है तो ऑप्शन बी इज दॉ इनियोटिक सेल तो क्या नहीं होता है न्यूक्लियर एनवेप नहीं होता है बच्चे इंसिपाइन न्यूक्लियस होता है जेनेटिक मटीरियल इज नॉट इंक्लोज बायप एंड लाइज इन दी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द साइटोप्लाजम इंसिपाइन न्यूक्लियस होगा तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिए मैच द फॉलोइंग है तो मैच अगर आप करेंगे तो आप इसके देखिए क्रिस्टा क्या होता है बच्चे क्रिस्टा जो होते हैं इनफोल्डिंग होती है माइटोकॉन्ड्रिया की ठीक हो गया अगर आप थालॉक्वाइट देखिए तो थाइलक्वाइट जो है फ्लैट एंड मेमरिन सेक्स है स्टोमा ऑफ प्लास्टिक्स के अंदर सेंट्रोमेयर की अगर हम बात करें तो सेंट्रोमेयर जो है ये आपका प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है क्रोमोजोम के अंदर और सिस्टर्ने जो होते हैं वो डिस्क शेप्ड डिस इनको पैरेटस होता है है ना तो इस तरीके से यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है तो इसके अकॉर्डिंगली इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट पोजेज अस न्यूक्लियस एंड यूजल साइटोप्लाज्मिक

वैन दिस सेंट्रो में इन द मिडल ऑफ द टू इक्वल आर्म्स अगर मिडल है तो मेटासेंट्रिक है मिडल से थोड़ा ऊपर है तो सब मेटासेंट्रिक है पोल की तरफ है तो एक्रोसेंट्रिक है और टिप पे है तो टीलोसेंट्रिक है है ना ये सारे डेफिनेशन दिए गए ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इंक्लूजन बॉडीज ऑफ ब्लू ग्रीन पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर तो इंक्लूजन बॉडीज कौन सा होता है गैस वैक्यूल्स होते हैं ठीक है नेक्स्ट देखिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर तो बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए एन ए आकर्सिन बाय राइबोजोमल आर बायो, की बायोसिंथेसिस कहां पे होता है बच्चे तो न्यूक्लियोलस के अंदर होता है ठीक है न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस जो है वो बायोसिंथेसिस करता है राइबोसोमल आरएनए का नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक क्या काम करता है लिपिड सिंथेसिस कराता है रफ क्या कराता है प्रोटीन सिंथेसिस कराता है ठीक है बच्चे जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होगा ये क्या कराएगा गॉल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो ग्लाइकोसाइलेशन करता है और सेंट्रियोल जो है वो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करता है तो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिए मैच द फॉलोइंग क्या बोल रहा है इसके अंदर गॉल्जी अपैरिटस अब यहाँ पे देखो करेक्ट मैचेस दिया हुआ गॉल्जी अपैरिटस करता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइको प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स लाइजोजोम्स करता है डाइजेस्टिव बायोमोलिक्यूल्स Vacules करेगा ट्रैप वेस्ट एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को ट्रैप करेगा और ribosomes क्या करेगा? प्रोटीन फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय किसने किया था पैलेड ने किया था ठीक है ऑब्जर्व किसने किया था क्लॉड ने किया था माइक्रोजोम्स बोला था रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने नोटिस किया था दम इन प्लांट सेल ऑफ बीन रूट्स एंड

होने लग जाती है सिंथेसिस फेज नाम है इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मैच द फॉलोइंग लिस्ट को मैच करना है तो एस फेज जो है अगर आप यहां पे देखिए तो ए जो है एस फेज जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है जी टू फेज में प्रोटीन आर सिंथेसाइज क्विजन फेज जो होता है वो इनएक्टिव फेज होता है है ना जिसमें जी से सेल बाहर निकल आता है और जी में क्या है इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ तो तो ये है, इसका option, ये इसका ऑप्शन इधर आ जाएगा ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स टू कनेक्टो कोर्स ऑफ क्रोमोजोम बिकम्स एविडेंट इन किसमें होगा बच्चे कहां पे कौन से फेज में होता है तो मेटाफेज स्टेज में जो है ये अटैचमेंट होता है स्पिंडल फाइबर्स का ठीक है हमें पता है अगर ये सेल है तो इस तरीके से अगर क्रोमोसोम्स हैं है ना बच्चे तो यहां से इस तरीके से अटैचमेंट हो जाता है लाइक दिस ये इस तरीके से कैनेक्टो के साथ अटैच कर जाएगा ठीक है बेटा तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिए आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू जी वन फेज गैप वन फेज में क्या होता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट टेक प्लेस रॉन्ग सेल इज मेटाबलिकली एक्टिव ग्रोज बट डज नॉट रेप्लीकेट इट्स डी एन ए तो यस, ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर नेक्स्ट देखेंगे सम डिवाइडिंग सेल्स एग्जिट द्स एंड एंटर वेजिटेटिव इन एक्टिव स्टेज दिस इज कॉल्ड एज क्विजेंट जी नॉट फेज दिस प्रोसेस अकर्स एट दफ किसके बाद होगा तो एम फेज के बाद माइटोसिस के जस्ट बाद जीवन में जैसे ही जाता है अगर उसकी जरूरत नहीं है तो वो बच्चे जी नॉट स्टेज में चला जाता है ठीक है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर सेल्स इन जी नॉट फेज क्या करता है एंटर द सेल साइकिल नो सस्पेंड द सेल साइकिल सस्पेंशन भी नहीं करेगा टर्मिनेट भी नहीं करेगा एग्जिट द सेल साइकिल सेल साइकिल से एग्जिट कर जाता है नेक्स्ट देखें द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ फेजेज ऑफ सेल साइकिल इज तो हमें पता है सेल साइकिल क्या है दिस इज एम फेज यहाँ पे जी वन फेज आ जाएगा ये एस फेज है और ये जी टू फेज है और यहाँ से ये यह बाहर चला जाता है और ये जी नॉट फेज आ जाता है ठीक है तो करेक्ट सिक्वेंस कौन सा आ जाएगा हमारा पहला जीवन फिर एस फेज जी टू फेज और एम फेज तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस इन डीएनए सिंथेसिस किस में होता है बच्चे एस फेज में होता तभी इसको सिंथेसिस फेज कहा जाता है एस फेज कहा जाता है ठीक है डीएनए रेप्लीकेशन होगा इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए इन द सेल रिमेन्स एट फोर सी लेवल इफ द इनिशियल अमाउंट इज डिनोटेड टू सी लेवल जाएगा तो बच्चे जी टू एन एम फेज में हो जाएगा ठीक है सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर लेवल हाई रहता है क्योंकि S के बाद उसका और जैसे ही एम फेज के बाद वो दोबारा से क्या हो जाता है बच्चे हाफ हो जाएगा है ना तो वो टू सी स्टेज में आ जाएगा ऑप्शन डी इज दाइट आंसर नेक्स्ट देखेंगे इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल क्या होता है तो अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए हो जाएगा ऑप्शन इज द राइट आंसर फिर यहां देखिए मैच द फॉलोइंग अगर हम देखें इसमें देखो जी वन फेज क्या कर रहा है बच्चे तो इसमें सेल ग्रोथ एंड ऑर्गेनल डुप्लीकेशन होता है एस फेज क्या कर रहा है तो बच्चे ये डीएनए रेप्लीकेशन कर रहा है बिल्कुल इसके साथ वाला ही होगा जी टू फेज क्या कर रहा है इसमें साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है और एम फेज के अंदर मेटा फेज जो है एम फेज का उसमें अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम आएगा तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा ए के साथ वन टू थ्री एंड फोर ठीक है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैच द फॉलोइंग अब यहां पर देखिए प्रोफेज वन का जो है डिफरेंट स्टेजेस दिया गया है है ना तो जाइोटीन क्या करता है जाइगोटीन के अंदर जो है बच्चे आपका तो जाइोटीन में क्या होता है बच्चे साइनअपिस होगा ठीक है पेकाइटिन स्टेज के अंदर क्या होता है क्रॉसिंग ओवर हो जाता है ठीक डिप्लोटीन के अंदर क्या हो जाएगा तो कायजमेटा जो है बने, बना रहेगा डायकाइनेसिस के अंदर क्या हो जाता है के अंदर होने लग जाता है, है ना? ऑफ़ कॉम्प्लेक्स। तो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिए क्या होगा मियोसिस वन इज रिडक्शनल डिवीजन तो उसमें डिप्लॉइड से बन जाता है <coughs> तो इसमें ट्वाइस ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू आंसर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइको प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स अभी पढ़ा हम लोगों की ग्लाइको प्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स क्या बनते हैं गोलजीपैटिस में बनते हैं ऑप्शन इज द दी राइटर साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ किस चीज का बना होता है साइटोस्केलेटन प्रोटीनिशियस फिलामेंट्स होते हैं ठीक है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट आफ्टर कैरियोगी फॉलोड बाई मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस एग्जोजीनियसली इन किसके अंदर फॉर्म होता है बच्चे के अंदर फॉर्म होता है एगेरिकस के अंदर म्यूस पोर्स प्रोड्यूस एक्जोजिनसली आफ्टर कैरोगी एंड म्यूसिस इट बिलोंग्स टू बेसिडियोसिटीज बेसिडियो पोर्स बन जाते हैं बच्चे इसके अंदर ठीक है तो एगेरिकस लिखेंगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एनाफेस प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स ए पी सी इज अ प्रोटीन डिग्रेडिंग मशीनरी नेसेसरी फॉर प्रॉपर माइटोसिस ऑफ एनिमल सेल एक एनिमल सेल के अंदर प्रॉपर माइटोसिस होने के लिए ए पी सी चाहिए है हमें है ना इफ ए पी सी इज डिफेक्टिव इन ह्यूमन सेल विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू अकर क्या हो जाएगा अगर ए पी सी नहीं प्रेजेंट है तो क्रोमोजोम विल नॉट कंडेंस बिल्कुल कंडेंस होगा गलत है क्रोमोजोम विल नॉट बी फ्रेगमेंटेड ये भी गलत स्टेटमेंट है क्रोमोजोम विल नॉट सेग्रीगेट तो ये जो एना फेस क्या करता है एना फेस प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स क्या करता है वो आपका देखिए ज डिफेक्टिव इन ह्यूमन बींग द क्रोमोजोम विल नॉट सेग्रीगेट ड्यूरिंग एना फेज वो अलग अलग नहीं होंगे पोल्स पर नहीं जाएंगे सो एपीसी ट्रिगर्स ट्रांजिशन फ्रॉम मेटाफेज टू एनाफेज बाई टैगिंग स्पेसिफिक प्रोटीन्स फॉर द डिग्रेडेशन तो इस वजह से इसका करेक्ट ऑप्शन जो आ जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इट विल नॉट गेट सेग्रीगेटेड नेक्स्ट देखिए सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू माइटोसिस माइटोसिस के लिए इसको करेक्ट बताना है तो क्रोमेटेड स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स अपोजिट पोल्स इन टीलो फेज ये गलत है उसमें अलग हो जाता है है ना किसमें एना फेज स्टेज में मूव करते हैं बच्चे अपोजिट पोल्स के अंदर गोलजी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक एंड रेटिकुलम आर स्टिल विजिबल एट द एंड ऑफ दोफेस नहीं सारे जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं है ना सी क्या कह रहा है क्रोमोजोम्स मूव्स टू द स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग इक्वेटर प्लेट इन द मेटाफेज तो यस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर वो बिल्कुल आपके प्लेन में आ जाएगा इक्विटोरियल प्लेन के अंदर आ जाता है सारे क्रोमोजोम्स ठीक है तो ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर तो बच्चे ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे इन दो चैप्टर्स से चैप्टर एट एंड चैप्टर टेन आई होप कि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे ठीक है बेटा कोई डाउट होगा तो क्लास में पूछेंगे ठीक है सो गॉड ब्लेस यू ब्लेस टेक केयर थैंक यू